हेलो गाइस, नमस्ते, नमस्कार, जोहार, सो गुड मॉर्निंग। आप सभी को फिर से एक नया ब्लॉग वीडियो में स्वागत है। और आप लोगों को तो पता है मैं अभी रांची में रुका हुआ हूँ, और आप लोगों को थोड़ा इंट्रोडक्शन करा देते हैं। ये भैया, आप पूरा बताइए आपका। मेरा नाम सोमनाथ प्रधान है, मैं रांची पुंदा का रहने वाला हूँ। अभी हम लोग जा रहे हैं। सो गाइस, आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, एक्चुअली मैं कल ही आया हूँ और ये भैया लोग का घर में ही रुका हूँ। और सबसे मतलब ये मैडम, हेलो मैडम, हेलो नमस्ते। मैं ये क्या नाम है सर आपका? अबुधराम। हाँ, अबुधराम सर से हम लोग इसको घुमाने ले जा रहे हैं। खासकर अपना घर से रांची आया है घूमने के लिए, खास निमंत्रण दिए थे, और जहाँ जहाँ पॉसिबल होगा हम लोग इसको घुमाने का प्रयास करेंगे। विधानसभा या तो महेंद्र सिंह धोनी का घर नहीं देखे है बोल रहे हैं, वहाँ भी हम लोग दिखाने के लिए ले जा रहे हैं। बहुत सारा अच्छा अच्छा जगह आज हम लोग दिन भर समय दे रहे हैं बुधराम सर के लिए, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अपना रौरकेला क्षेत्र छोड़ के हमारे रांची में आ चुके हैं, तो सभी को नमस्ते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली हम लोग का सब्सक्राइबर और हम कभी मिले नहीं थे, पहली बार मिले हैं हम लोग। अभी मैडम लोग कहाँ कहाँ घुमाएंगे, सो आप लोग बने रहिए। आज का ब्लॉग बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और हम लोग का छोटा हीरो देख सकते हैं, इधर देखिए, अरे गाड़ी चला रहा है। हेलो बोल दे, कहाँ कहाँ जाएंगे आज? हम लोग जाएंगे विधानसभा, सेल सिटी, जगन्नाथ मंदिर, धुर्गा धुर्गा डैम। हाँ देखिए, गाड़ी चला रहा है। तो चलिए गाइस, आप लोग बने रहिए ब्लॉग में। सो गाइज, अभी ना हम लोग सेल सिटी, जो कि रांची का बहुत ही जाने माने प्लेस है, और हम लोग का मैडम लोग घुमा रहे हैं, और काफ़ी खूबसूरत ये दोनों का भी जोड़ी है। ये मैडम, ये थोड़ा बताइए ना, ये सेल सिटी मतलब होता क्या है? यहाँ पे खाली वो सेल में जो काम करते हैं उन्हीं लोग रहते हैं ना, और कुछ नहीं? यहाँ जगह तो पुंदाग है। हाँ। और ये बिल्डिंग का नाम है सेल सिटी, नाम दिया गया है। अच्छा। और यहाँ पे बहुत दूर दूर से आते हैं, यहाँ पे वीडियो सब शूटिंग सब करने के लिए। अच्छा। आते हैं, तो हम लोग भी चाहे कि आपको भी बुधराम थोड़ा सेल सिटी का नजारा दिखा दे। चलिए, बहुत ज्यादा खूबसूरत है, यहाँ से ना काफी ज्यादा सुंदर दिख रहा है। ठीक है, बहुत पीछे फोटो उठो हम लोग तो ले लिए यहाँ का। तो यहाँ से अभी कहाँ जाना है हम लोग को? अभी हम लोग को जाना है धुर्गा डैम, जाना डेम। है आपको वहाँ का डैम दिखाना है और वहाँ का भी थोड़ा मजा लेना है। चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है गाइस, सच में मुझे बहुत अच्छा, मैं बहुत खुश हूँ आज ही मेला लगता है। सो दोस्तों, अभी हम लोग एक मंदिर है यहाँ पे जगन्नाथ जी का, तो वहीं पे दर्शन के लिए जा रहे थे। और यहाँ पे मेला भी लगता है ना शायद, रथ मेला, रथ यात्रा लगता है यहाँ पे। तो दोस्तों, अभी ना हम लोग रांची का जो कि जगन्नाथ मंदिर है वहाँ पे आए हैं, और यहाँ भी जो प्लेस है ना बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे मेला उला लगता है हम लोग का रथ के टाइम में ना। हाँ, रथ के टाइम में। और मुझे बगल में वो भी है छोटा सा। अच्छा, यहाँ तालाब भी है उस तरफ, और मंदिर देखिए ऊपर में है। ए बाबू, ये तो आगे आगे चल रहा है। इधर देखो, देखो इधर देखो, हेलो गाइस बोल दो। हेलो गाइस, बहुत सियाना बच्चा है ये, देख सकते हैं। सो गाइस, हम लोग ने वो वाला रास्ता में आए ना, जरा देख सकते हैं कितना गजब लग रहा है पूरा रांची सिटी। उधर तो पूरा बिल्डिंग बिल्डिंग घर, इधर देख सकते हैं धोनी का घर किधर है? वो पहाड़ी मंदिर, वो पहाड़ी मंदिर वो है। तो गाइस, हम लोग उधर ही जाने वाले हैं, और धोनी सर का घर भी देखेंगे आज। वो उसका नीचे पहले है हारमू में। कहाँ? हारमू में, हारमू बोला जाता है। उसके बाद दूसरा जो बना है वो आपका दलादली में है। अच्छा, उधर भी चलेंगे। चलिए, उधर हम लोग जाएंगे। तो फिलहाल हम लोग यहाँ आए हैं जगन्नाथ जी का मंदिर। तो अभी हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं धुर्वा डैम, इधर से। अच्छा ठीक है। हेलो हेलो गाइस,
मम्मी। सो दोस्तों अभी हम लोग यहाँ से मंदिर से निकल के हम लोग अभी जाएंगे स्टेडियम। स्टेडियम जाने के बाद हम लोग धुरवा डैम जाएंगे और स्टेडियम बगल में ही है और ये है रांची सिटी। जलसा रांची तो दोस्तों ये हम लोग का लेफ्ट अगर जाएंगे तो हम लोग का जो कि स्टेडियम, अगर राइट साइड जाते हैं तो हम लोग का रांची का विधानसभा यहाँ पे देख सकते हैं। तो हम लोग को लेफ्ट जाना है यहाँ से। तो दोस्तों अभी हम लोग रांची का जो कि इंटरनेशनल जो कि हम लोग का क्रिकेट का स्टेडियम है वहाँ पे हैं। आप लोग देख सकते हैं पीछे में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है यार। हम तो पहली बार यहाँ आए हैं और चलिए अंदर चलते हैं। अंदर तो नहीं जा सकते हैं ना, शायद बाहर से ही देखेंगे। हाँ चलिए। तो ये है हम लोग का रांची का स्टेडियम जो कि यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट खेला जाता है और माने तो हम लोग का धनी सर यहीं का है। और देखेंगे अगर मौका मिलेगा तो धनी सर का कि घर जाके थोड़ा घूम के आएंगे, मतलब बाहर से मौका तो नहीं मिलेगा लेकिन यहाँ के ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये है स्टेडियम जो कि हम लोग टीवी में खाली देखते हैं लेकिन आज पूरा रियल में देख रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा खुशी लग रहा है। थोड़ा सामने जाके देखते हैं ना। ए बाबू अरे रुको रुको। तो ये मेन गेट है शायद, ये मेन गेट और यहीं पे एंट्री होता है शायद। अंदर तो जाने के लिए नहीं देंगे लेकिन देखिए नज़ारा बाहर से ही दिखा सकते हैं। पूछ के देखते हैं सर से। तो दोस्तों यहाँ पे ना एक गेम चल रहा है तो अभी हम लोग अंदर जाने वाले हैं। खाली आधार कार्ड दिखा के ना चले। थैंक यू सो मच यार, हम लोग खुशी में है ना। कम से कम अंदर जाने के लिए मौका तो मिल रहा है ना कि नहीं? अंदर जाने के लिए तो शायद अगला वाला गेट से हम लोग अंदर जाएंगे। कुछ नहीं फिर भी अंदर जाके तो थोड़ा देख के आएंगे। सो गाइज हम लोग ना अभी ये वाला गेट में आए थे लेकिन सर बोल रहे हैं कि आधार कार्ड का जो कॉपी है उसको जेरस करके लाइए और दीजिए। तो अभी हम लोग जेरस करने के जा रहे हैं। अच्छा हुआ कि इस फोन में ही सब कुछ रखे हुए है ना। हाँ सोचे भी नहीं थे ना। हाँ और हम सोचे भी नहीं थे यार मौका मिलेगा अंदर जाने के लिए। बहुत खुश है यार, आज का दिन गजब जा रहा है। तो चलिए हम लोग का जेरोक्स भी बन गया, अब घुसना बाकी है।